बदायूं में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 90% अनुदान पर ड्रिपिंग सिस्टम सिंचाई पंप दिया जा रहा है, जो डार्क जोन में रहने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बदायूं के डीएचओ ने बताया कि बदायूं जिले में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत डार्क जोन वाले ब्लॉकों में पानी की काफी समस्या रहती है। वहां सिंचाई के लिए इस योजना के माध्यम से ड्रिपिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। बदायूं जनपद में 603 हेक्टेयर में ड्रिपिंग सिस्टम से सिंचाई का शासन से लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष 84 हेक्टेयर में यह सिस्टम लगाया जा चुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जनपद में विगत 3 वर्षों से क्या उससे पहले भी चल रही है। इस साल 603 हेक्टेयर का ड्रिप और स्प्रिंकलर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष पैसा भी हमें प्राप्त हो चुका है। अभी पूरा तो नहीं प्राप्त हुआ है, और उसमें हमने अभी तक 84 हेक्टेयर में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाया है, जिसमें आपका ये सलारपुर ब्लॉक है और उजानी ब्लॉक है। और मुख्य रूप से हमारा प्रयास है कि जो हमारे डार्क जोन के ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक हैं, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसे लाभान्वित करें। वहीं किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से हमें काफी फायदा हो रहा है, और इस योजना से लगाए गए ड्रिपिंग सिस्टम से कम पानी में सिंचाई भी हो जाती है, उनका समय भी कम लगता है, और पूरी फसल में पानी लगने से उनकी फसल का उत्पादन भी बढ़ गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना से ये लगा है, और काफी पानी की बचत और आधे समय में सिंचाई हो जाती है हमारे। हाँ, और हमारी फसल भी बढ़िया हो रही है, पैदावार अच्छी हो रही है, और पानी की बचत हो रही है, और हमें अनुदान मिला है सरकार से मोदी जी की योजना से। जी मतलब सिंचाई में थोड़ा आराम है, इससे काफ़ी हमें सहूलियत है, और जो है सिंचाई करने में समय कम लग रहा है, फसल अच्छी हो रही है। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो पंप हमें मिला है, इसे हम लगाने से जो फसल में हम पानी लगाते थे पहले, अगर हमारी 1 बीघा खेत भरने में हमें 2 घंटे का समय लगता था, वो कम से कम अब हमें 45 मिनट में हमारा कार्य पूरा कर देता है। इस तहत पानी की बचत हुई है, हमारा लगभग 20-30% पानी में गन्ना हो जाता है ड्रिप सिस्टम लगाने से, और इस पर 90% अनुदान मिला है हमें। ये पूरे सिस्टम 1,30,000 प्लस का है, जिसमें हमें 1,16,163 रुपये का अनुदान मिला है।